नॉर्मली वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज कब होता है? जब हम लोगों को मेजरमेंट का एक्यूरेसी चाहिए होता है. व्हाट व्हाट डू आई मीन बाय वी वांट टू हैव एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट? मतलब फॉर एग्जांपल हम जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं उसमें जो दो लाइंस होते हैं, दो लाइंस में मैक्सिमम यू कैन मेजर इज 0.1 सेंटीमीटर. मतलब यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग लेस देन 0.1 सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक पॉइंट है ए एंड हैव अनदर पॉइंट बी, मुझे अगर इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है और देयर आर सम मार्किंग्स, और अगर ये बी पॉइंट जो है ये दो लाइंस के बीच में आ गया तो वी कैन नॉट मेजर, क्योंकि ये है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 and 0.7 के बीच में. आई कैन नॉट मेजर दिस बिकॉज यू नो एक्यूरेसी लीस्ट काउंट. द मिनिमम मेजरमेंट दैट वन कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज लीस्ट काउंट. कम से कम जो मेजरमेंट ले सकते हो किसी भी स्केल का यूज करके, किसी भी डिवाइस का यूज करके, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो रीडिंग है वो लीस्ट काउंट से कम आएगा तो हम लोग यूज नहीं, मेजर नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? इसका सॉल्यूशन ऐसा होता है दैट यू नीड टू यूज टू स्केल सिस्टम, वर्नियर कैलिपर. ओके, तो आई विल शो यू व्हाट इज वर्नियर कैलिपर बाय द वे. सो दिस इज हाउ अ वर्नियर कैलिपर लुक्स लाइक. तो वर्नियर कैलिपर पे दो स्केल होते हैं एज यू कैन सी. एक तो बोलते हैं मेन स्केल जिसको मेट्रिक स्केल बोला है, और दूसरे पे मूवेबल स्केल होता है that is called as vernier scale. So this is how it looks like. तो यहाँ पे दो स्केल है, तो दोनों स्केल का यूज करके हमको रीडिंग लेना पड़ता है. तो we will see how to use this. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. In the determination of Young's modulus, अब Young's modulus क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. मैंने बताया था आपको कि हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी को हमने एक मास लगा के रखा है. ओरिजिनल लेंथ जो था वो लेट अस से कैपिटल एल था. ये मास लगाने के बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगा, तो एक्सटेंशन इज स्मॉल एल. राइट, ये जो रस्सी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कुछ, इट हैज सम क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इस रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है, कोऑर्डिनेट लेंथ, कोऑर्डिनेट एरिया, रस्सी पे हमने क्या लगाया, मास. मास पे क्या एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है किस पे, मास पे, मतलब किस पे, रस्सी पे. दैट फोर्स अपॉन एरिया मतलब mg by a, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. करेक्ट, और ये स्ट्रेस लेंथ चेंज करेगा इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. सिमिलरली हम लोग डिफाइन करते हैं टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ. लेंथ कितना चेंज हुआ, एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट, राइट. तो एम जी बाई ए, बाय द वे एरिया, क्योंकि रस्सी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, या तो फिर पाई डी बाई टू का स्क्वायर. डायमीटर का हाफ रेडियस होता है ना, रस्सी है, रस्सी का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर लिखते हो, लेकिन आर मतलब डायमीटर बाय टू इसका स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय फोर, तो ये फोर को मैं ऊपर पहुंचा देता हूं तो टेंसाइल स्ट्रेस आ गया. टेंसाइल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. इट इज द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटी. तो आपका पता आ जाएगा 4 एम एलजी अपॉन पाई एलडी स्क्वायर. सिंपल. तो ये होता है यंग्स मॉडुलस. राइट, आपको पता नहीं भी होता तो डजंट मैटर, बट आई वांटेड टू टेल यू. सो नाउ हमें बोला है इन द डिटरमिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, मतलब हमको यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है. And formula is already given to you. That's why पता नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता.
ओके, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर डायमीटर 0.5 mm इज यूज, मतलब डी की वैल्यू और एल की वैल्यू दी है, कैपिटल एम की भी वैल्यू दी है, एक्सटेंशन स्मॉल एल भी दिया है. क्वांटिटीज डी एंड एल आर मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर, यूजिंग अ स्क्रू गेज एंड अ माइक्रोमीटर. ओके, तो हमने जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर बताया वैसे एक स्क्रू गेज होता है, मैं भी स्क्रू गेज भी बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू व्हाट इज स्क्रू गेज. Just a minute, the file is getting copied. Yes, here we are. Okay, so basically ये होता है आपका स्क्रू गेज, राइट. तो आप देख रहे हो स्क्रू गेज में दो स्केल्स है, एक जिसको स्लीव लिखा है, यहाँ पे स्लीव पे एक मेन स्केल है, एंड देन दिस इज वन स्केल ओवर हियर एंड यू हैव अ स्केल ओवर हियर, यहाँ पे भी दो स्केल है. तो यहाँ पे भी हम दो स्केल का यूज करने वाले हैं. गुड, ओके, वंस यू नो दिस, अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, ये बोला है दे हैव द सेम पिच, पिच मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. ओके, सो पिच का मतलब पता होना चाहिए, पिच मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. एग्जाम्पल जो मैंने आपको सेंटीमीटर स्केल बताया था उसका पिच 0.1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 0.5 mm है. The number of divisions on circular scale, so circular scale पे number of divisions, total divisions on circular scale, there 100. The contribution to the maximum probable error of y measurement, right? सबसे पहले, how do we solve this question? सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा. लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल मतलब एन. सो दैट इज 0.5 अपॉन 100 मतलब 0.5 इंटू 10^-2 mm. दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज. Right, now, according to the given options, due to error in the measurement of D and L are same. So basically, we want to check if the errors in the measurement of D and L are same. देखो ऐसा है. What you can say is, how do you solve this question? Error क्या होता है? L में एरर कितना आएगा, डेल्टा L by L into 100, परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन में क्या बोला है कि D और L दोनों आपने, D आपने स्क्रू गेज और L आपने माइक्रोमीटर यूज करके मेजरमेंट लिया, करेक्ट, राइट. दोनों का लीस्ट काउंट होता है सेम, माइक्रोमीटर का और इसका, करेक्ट, ओके. तो डेल्टा एल जो आपका लीस्ट काउंट आया वही डेल्टा एल और वही डेल्टा डी आएगा. व्हाट इज डेल्टा एल, 5 × 10^-3 ये एमएम में है, अपॉन व्हाट इज लेंथ स्मॉल एल, चेंज इन लेंथ 0.25 ये भी एमएम में है, इनटू 100. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एल बाई एल एस 2%, राइट. सिमिलरली
डी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, डी रेस टू टू है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एरर, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एरर किसका, एल का। दूसरा डी का कितना आएगा, डी स्क्वायर है तो टू टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी, इसलिए इलेवेंथ का पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू नो, दैट यू नीड टू नो कि हमें यहाँ पे एरर हम लोग कैसे निकालते हैं। गुड, सो डेल्टा डी बाई डी, टू टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू हंड्रेड, टू इंटू डेल्टा डी इज अगेन लीस्ट काउंट, दैट इज फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री अपॉन स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज नथिंग बट आपको दिया हुआ है स्मॉल डी भी दिया है क्या, 0.5 mm, करेक्ट। तो ये भी सॉल्व करोगे तो ये 2% आएगा, ऑफकोर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रह गया, तो दोनों में कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, तो ड्यू टू एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल आर सेम। मैं वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यंग्स मॉडल्स का एक फॉर्मूला है, उसमें मास है, कैपिटल एल है, स्मॉल एल और डी है। स्मॉल एल और डी हम लोग माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज यूज करके मेजर कर रहे हैं। जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतना ही उस इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, एक्यूरेसी और एरर नॉर्मली कम्स फ्रॉम लीस्ट काउंट, करेक्ट। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन एन, राइट, पिच अपॉन नंबर ऑफ स्केल्स, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच मतलब स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन मेन स्केल मतलब 0.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन सर्कुलर स्केल 100 मिल गया। स्मॉल एल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हमने एरर एनालिसिस सीखा है ना, वी हैव लर्नड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एल का पावर 1 है तो वॉट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। डी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, क्योंकि डी रेस टू 2 है तो 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, तो दोनों का 2% आया तो सेम एरर है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन वॉज एक्सट्रीमली सिंपल।